तभी नरेन बेहोश हो गया। डॉक्टर उसे अपने वार्ड में लेकर गए, उसका ट्रीटमेंट चल रहा है मानव। लेकिन ये बात पक्की है कि हमारी परी नरेन की आहाना है। लेकिन अर्चना, परी ने तो हमें कभी भी इस बारे में कुछ भी नहीं बताया। जिस लड़के की वजह से उसने जीना छोड़ दिया था, उस लड़के के सामने आने के बाद भी वो चुप क्यों रही? और चुप ही नहीं बल्कि वो तो शेखर से शादी भी करने वाली थी। हाँ, अगर वो हमें ये बात बताती तो हम नरेन और परी को एक करने की कोशिश करते। और नहीं पापा, ये सही नहीं होगा। परी नरेन का अतीत है और अंकिता नरेन का आज है। अतीत को अगर अतीत में ही रहने दे तो ज्यादा समझदारी है। और वैसे भी अंकिता नरेन की पत्नी है, मानव हमने उसका कन्यादान किया है, हम उसके साथ गलत नहीं होने दे सकते। मैं मानती हूं कि नरेन की असली आना हमारी परी है, लेकिन देखा जाए तो नरेन अंकिता को आना मानता है, तो उसे क्या फर्क पड़ता है कि परी उसकी जिंदगी में आए ना आए, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता बाबा। मैं अंकिता के साथ भी तो गलत नहीं होने दे सकती। और जहां तक परी का सवाल है, परी को अपना अतीत भूलना होगा और उसकी शादी शेखर से ही होगी। अर्चना, हम तेरी बात समझ सकते हैं, हम ये बिल्कुल नहीं चाहते कि अंकिता के साथ कोई अन्याय हो, लेकिन परी और शेखर की शादी इतना सब जानने के बाद भी पता नहीं ये रिश्ता आगे बढ़ेगा या नहीं। असली चाहे जो भी हो बाबा, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अंकिता नरेन की पत्नी है और शेखर और परी की शादी होने वाली थी और ये होकर रहेगी। और मुझे ऐसा लगता है कि इसी में इन दोनों की भलाई है। अर्चना बिल्कुल सही कह रही बाबा, और अच्छा हुआ जो परी का पास इस तरह से शेखर के सामने आ गया। अब उनके रिश्ते में ज्यादा मैच्योरिटी होगी, ज्यादा ट्रांसपेरेंसी होगी। अगर ये बात शादी के बाद सामने आती तो प्रॉब्लम्स हो सकती थी। पापा जो भी करते हैं बिल्कुल सही करते हैं। अब बस परी ठीक हो जाए, फिर उससे बात करके तय करेंगे कि आगे क्या करना है। बिल्कुल मान। Pulse is very low. Actually, Dr. Dattar is my good friend. जो नरेन का ट्रीटमेंट कर रहे थे, उन्होंने ही मुझे नरेन की केस हिस्ट्री के बारे में बताया। इन्हें अभी तक तो होश आ जाना चाहिए था। It's really strange. इन पे कोई भी ट्रीटमेंट काम नहीं कर रहा है। वही ना, कोई ट्रीटमेंट जरूर होगा जो नरेन से पे काम करेगा। मुझे पूरा यकीन है डॉक्टर कि नरेन से बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। अपनी जानते, लेकिन पिछली बार जो एक्सपेरिमेंट हमने इन पे किया था, हमें नहीं लगा था कि ये सक्सेसफुल होगा, लेकिन वो सक्सेसफुल हुआ। आई एम वेरी श्योर कि कोई ना कोई रास्ता जरूर होगा जिससे कि नरेन सब बिल्कुल ठीक हो जाए। मिसेस करमारकर, आपकी यही पॉजिटिविटी नरेन को बैक टू नॉर्मल ला सकती है। इनफैक्ट मैंने रिपोर्ट पढ़ी है, कल रात को नरेन को जिस पेशेंट के साथ लाया गया था, नरेन रात को इस कमरे से उसके कमरे में गया था और शायद उसको आना कह के बुला रहा था। Am I right? Yes, doctor. वही असली आना है और उसका नाम परी है। नरेन को होश में लाने के लिए वो लड़की हमारी मदद कर सकती है। आना का आसपास होना और शायद उससे नरेन रिएक्ट करे और वो फुली ठीक हो जाए। मिसेस करमारकर, पेशेंट जब गहरी नींद में होता है तब भी उसके सारे सेंसेस लाइव होते हैं, तभी तो हम फैमिली को पेशेंट से बात करने देते हैं। मिसेस करमरकर, एज अ वाइफ मैं समझ सकता हूँ आना को नरेन के करीब लाना आपके लिए कितना मुश्किल होगा, लेकिन आपको ये सब करना पड़ेगा क्योंकि एक आप ही हैं जो नरेन की जिंदगी बचा सकती है। ठीक है डॉक्टर, मैं नरेन के सामने परी को लेकर आऊंगी।
परी को नरेंद्र सर के सामने जरूर लेकर आऊंगी, चाहे कुछ भी हो। नहीं आजी, मुझे भूख नहीं है। ऐसे कैसे भूख नहीं है परी, कुछ नहीं खाएगी तो कैसे ठीक होगी? कुछ तो खाना पड़ेगा। और देख, तेरे पास बहुत अच्छा मौका है, अभी जो चाहिए बोल दे, सब तेरे लिए आ जाएगा। परी, सब बाहर है, तेरा इंतजार कर रहे हैं, इतने सारे लोग, सबके साथ रहेगी तो तुझे अच्छा लगेगा, चल बाहर। हाँ जी, मैं यहीं ठीक हूँ ना, प्लीज। ऐसा लग नहीं रहा है परी कि तू यहाँ ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है, मैं यहीं ठीक हूँ। एक बात पूछूं? पूछो। तो अभी भी शेखर से शादी करने के लिए तैयार है? ये कैसा सवाल है? ऑफ कोर्स मैं तैयार हूँ। उस शादी में अगर नरेन भी हुआ तो? हमें पता चल गया कि तू ही नरेन की आना है ना? मुझे वो भी नहीं बताया। तूने मुझसे क्यों छुपाया परी कि नरेनी? अजी, मैं अपने पास के बारे में किसी को बताना नहीं चाहती थी। मैं नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से अंकिता की शादी टूटे। और अब मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहती हूँ। तो प्लीज, आई एम रिक्वेस्टिंग यू, ये टॉपिक हम यहीं ख़त्म कर देते हैं। आज के बाद ये बात हम नहीं करेंगे। धमाची, ये धमाची, धमाची देखे कौन आया? अरे फेवरेट ससुर जी, बोलना, घबरा रहा है। अरे इस बार कोनो पैसे नहीं लेने आया हम तोरा से, नहीं लेने आया, सच्ची बता रहे हैं, उठना बात करना। एक काम कर, तू हमरे से कुछ पैसे ले ले, लेकिन अब ठीक हो जा भाई। धमाची बात करना ना, बाबा अब यहाँ। बस नरेन की तबीयत पूछने आया था, उठ नहीं रहा है ससुरा, बात नहीं कर रहा, हमरे से बात नहीं कर रहा। कोई बात नहीं, ठीक हो गया ना तब बताएंगे उसको। बाबा, बाबा। अंकिता, अर्चना जी, परी कैसी है? वो ठीक है, लेकिन मुझे परी से मिलना था। अंकिता, सब ठीक तो है ना? तुम अंदर आओ। नहीं नहीं, मुझे बस परी से मिलना था, वो मिल सकती हो? अंकिता, परी को सब पता चल चुका है। कल रात जो कुछ भी हुआ वो बहुत डिस्टर्ब है। और बेटा, मुझे नहीं लगता कि वो अभी किसी से भी मिलना चाहती, वो हमसे भी नहीं बात। अर्चना जी, मैं समझ सकती हूँ परी किस हालत में होगी, लेकिन बेटा मिलना उसे बहुत ज़रूरी है। ये मेरे पति की ज़िंदगी और मौत का सवाल है। वही है जो नरेंद्र को बचा सकती है, और कोई नहीं। प्लीज़,
और आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे एक बार मिल दीजिए परी से प्लीज। आजी आपको भी नॉक करने की क्या जरूरत है? परी मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। सगाई वाले दिन तुमने नरेन को देखा था, इसलिए तुम रो रही थी है ना? तुमने मुझसे कहा था अमन शादीशुदा है, मेरे और नरेन सर के बारे में बात कर रही थी। बोलो परी, मेरा जानना बहुत जरूरी है। नरेन ही तुम्हारा क्यों चुप हो? प्लीज बोलो। नरेन ही वो लड़का है राइट? तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि? क्योंकि वो मेरा पास था जिसे मैं भूलना चाहती हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ अपने प्रेजेंट में जीना चाहती हूँ अंकिता। मैं उस आदमी को बिल्कुल याद नहीं करना चाहती क्योंकि उस आदमी ने मुझे चीट किया था, धोखा दिया है उसने मुझे। नरेन सर ने तुम्हें कभी चीट नहीं किया परी, कभी भी नहीं। चीट नहीं किया तो और क्या किया अंकिता? उसने मुझसे प्यार करने का नाटक किया और एक दिन अचानक मुझे छोड़ के चला गया और कभी लौट के नहीं आया। परी मैं सच जानना चाहती हूँ, मैं जानना चाहती हूँ कि तुम दोनों की क्या कहानी है, तुम दोनों की। प्लीज परी मुझे बताओ प्लीज, मेरे लिए जानना बहुत जरूरी है। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे बताओ प्लीज प्लीज। ठीक, अमन और मैं लंदन में मिले थे, पिज्जा पार्लर टेबल नंबर 54 पिज्जा पार्लर में हमारी पहली मुलाकात। सबसे यादगार पल था वो मेरी जिंदगी। शुरू में तो हमारा झगड़ा हुआ था लेकिन धीरे धीरे दोस्ती हुई और दोस्ती का प्यार में बदल गई, मुझे पता ही नहीं चला। चीयर्स, अब खा के बताओ कि कैसा है। वो रोज पिज्जा पार्लर आता था मुझसे मिलने और रात रात भर बैठ के हम बातें किया करते थे। वो मेरी हर छोटी चीज का ख्याल रखता था और मैं भी। बस कभी हम दोनों ने अपना प्यार कन्फेस नहीं किया। एक दिन उसने मुझे फोन किया और कहा कि मिलके वो कुछ जरूरी बात करना चाहता है। मुझे लगा कि वो अपना प्यार कन्फेस करेगा। मैंने भी मन बना लिया कि मैं उसे मिलके सब कुछ सच बता दूंगी, कह दूंगी कि मैं परी हूँ और मैं उसे कितना प्यार करती हूँ। उस दिन मेरी खुशी का ठिकाना नहीं, मेरी सारी मीटिंग सारे अपॉइंटमेंट्स कैंसिल कर दिया। सिर्फ इतना पता था कि आना से आना कोई मांग नहीं। लेकिन जब मैं वहाँ पहुंची मेरा एक बहुत मेजर एक्सीडेंट हो गया और जब मैं हॉस्पिटल में थी तो मुझे लगा वो मुझे मिलने आएगा लेकिन वो नहीं आया। सड़क के बीच में गाड़ी का एक्सीडेंट, गाड़ी में आग लग गई थी। आना मेरे सामने जल गई। आना मेरे आगे खोलिए। आना मेरे सामने जल गई। मैंने उसको बहुत ढूंढा, सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे, इंटरनेट पे, हर जगह अमन माथुर के नाम पर कोई इंसान था ही नहीं। मैं उसके कॉलेज भी गई, वहां जाके पता चला इस नाम का कोई स्टूडेंट कभी था ही नहीं। आना प्लस अमन और ये लव फॉरएवर, कौन है ये अमन बताओ ना। फिर मैंने उसे भूलने की बहुत कोशिश की लेकिन उसे अपने दिल से कभी निकाल नहीं पाई। लेकिन अब मैं अपनी लाइफ का एक भी मिनट उस आदमी के लिए वेस्ट नहीं करूं, कभी भी नहीं। परी
नरेंद्र सर ने तुमसे कोई चीटिंग नहीं की, कभी नहीं। शायद तुम नहीं जानती, जब तुम्हारा कार एक्सीडेंट हुआ तो नरेंद्र सर वहीं थे, उन्होंने तुम्हारी कार चलते हुए देखी और उसके बाद वो नरेंद्र कभी नरेंद्र रहा ही नहीं जिसे तुम जानती थी, क्योंकि उस एक्सीडेंट के बाद वो आधे पागल हो गए थे। वो कैसे चीट कर सकते हैं तुम्हारे साथ? तुमसे इतना प्यार करते हैं परी कि जिंदगी में नहीं सोच सकते कि वो अपनी आहाना से कभी चीट करेंगे। शायद तुम्हें नहीं पता, तुम मुझे भी आहाना कहकर पुकारते हैं। उनके लिए मैं सिर्फ एक आना हूं। हमारी शादी इसीलिए हुई क्योंकि अरिंसा को लगता था कि मैं आना हूं। जो इंसान किसी के प्यार में पागल हो सकता है, वो कैसे किसी से चीट कर सकता है? उसे बहुत प्यार करते हैं परी, बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। और उन्होंने जब से प्यार किया तब से सिर्फ आना से प्यार किया, किसी और से नहीं। वो सिर्फ तुमसे प्यार करते हैं। वो मेरा पास था। मैं मानती हूं कि मुझे ये सब बातें नहीं पता थी, लेकिन अब इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब वो तुम्हारा पति है। परी, परी मुझे ना तुम्हारी मदद चाहिए। परी नरेंद्र सब हॉस्पिटल में है, तुम्हें पता है। See, I don't know कि तुम नरेंद्र सर के लिए अभी क्या फील करती हो, लेकिन I'm sure कि एक वक्त ऐसा होगा जब तुमने नरेंद्र सर से अपने आप से भी ज्यादा प्यार किया होगा। I'm sure ऐसा वक्त होगा। प्लीज उस वक्त की खातिर मेरे साथ चलो हॉस्पिटल। मैं चाहती हूँ प्लीज मेरे साथ हॉस्पिटल चलो और नरेंद्र सर को ठीक कर दो। अंकिता प्लीज, मुझसे ये नहीं होगा। परी ऐसे मत कहो। प्लीज परी, परी प्लीज ऐसे मत कहो। परी तुम ही हो जो नरेंद्र सर को इस हालत से बाहर निकाल सकती हो। परी इसके पहले भी मैंने नरेंद्र सर के साथ एक्सपेरिमेंट किया था और वो काफी हद तक ठीक हुए थे, लेकिन तुम सोचो उनके सामने उनकी असली हाना होगी तो वो तो पूरी तरह ठीक हो जाएंगे ना। प्लीज मेरे साथ चलो प्लीज। परी अंकिता आई एम सॉरी, मुझसे ये नहीं होगा। बड़ी मुश्किल से मैंने उसको भूला है, अपनी जिंदगी से निकाले, मैं कैसे उसके सामने जा सकती हूँ? अंकिता प्लीज, मुझे नहीं होगा। अभी इंतजार मत करो प्लीज, आज नरेंद्र को तुम्हारी जरूरत है। प्लीज प्लीज परी, एक तुम ही हो जो उन्हें अब उस बुरी हालत से बाहर निकाल सकते हो। आई एम श्योर कि वो ठीक होंगे और तुम्हारी बातों पे रिएक्ट करेंगे। तुम उन्हें अपना अतीत याद दिलाओ कि तुम वो ठीक होंगे। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ परी, प्लीज मना मत करो। प्लीज परी, अपने प्यार की खातिर, जो भी प्यार तुमने नरेंद्र सर से किया उसकी खातिर, मेरी खातिर मैं नहीं कर सकता। प्लीज 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 परी, प्लीज मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ। किताब प्लीज मेरे साथ चलो। कैसे है? अभी उसकी हालत में कोई सुधार नहीं है। डॉक्टर ये आना है, नरेन की आना। आर यू रेडी मिस परी? मुझे क्या करना होगा? कुछ नहीं, बस नरेन को तुम दोनों की पुरानी यादों की याद दिलानी होगी।
सॉरी डॉक्टर, मुझसे ये नहीं होगा। मिस परी, यू हैव टू डू इट, प्लीज यू हैव टू डू इट मिस परी।